यहाँ न्याय और अन्याय के बीच कुश्ती हो रही है, यहाँ धर्म और अधर्म के बीच कुश्ती हो रही है, और इनके लिए ये जंतर मंतर नहीं है, इनके लिए ये अखाड़ा है, और ये अखाड़ा कुश्ती जीतने का अखाड़ा नहीं है, ये जिंदगी की कुश्ती जीतने का अखाड़ा है। तब हिंदुस्तान की जनता ने लताड़ लगाई उनको, ये भी आप पता करके गई, अत्याचार तो इनके साथ हुआ। क्या ये सभी चीजें वो नरेंद्र मोदी से डिस्कस करेंगी जा करके? नैतिकता ये बनती थी उसे इस्तीफा दे देना चाहिए था, या सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए था? गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस से निकलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, उनको मीडिया हाथों हाथ लपकती है। भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता सत्यपाल मलिक जो पुलवामा का सत्य उजागर करते हैं, वो मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इन्होंने तो बीजेपी को भी बुलाया है, तुम भी आओ, तुम भी राजनीति करके जाओ। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमारे साथ युवा हैं, वो बातचीत करेंगे। लगातार महिलाओं का प्रदर्शन जारी है, पहलवानों का प्रदर्शन जारी, आप देख सकते हैं। सर से हम बातचीत करेंगे कि इन बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा? सर, क्या लग रहा है, इन बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, सरकार से और सिस्टम से तो न्याय की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अभी एक उम्मीद हमारी बची हुई है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत न्यायपालिका से, और वो हस्तक्षेप कर रही है लगातार। तो उसके हस्तक्षेप से जो है हमारा विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है कि हम न्याय के दरवाजे तक पहुंचेंगे और हमको न्याय मिलेगा, और जो भी दोषी है वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, यदि उसने गलत किया है तो उसे सजा निश्चित तौर पर मिलेगी, चाहे वो कितना भी बचने का प्रयास कर ले और सरकार को कितना भी उसे बचाने का प्रयास। ब्रजभूषण शरण सिंह का दूसरी तरफ बयान है कि अगर मोदी जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गलत ब्रजभूषण ने किया है, मोदी जी क्यों बोले, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी तक नैतिकता तो ये कहती थी कि ब्रजभूषण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए था, सांसद से भी और फेडरेशन के अध्यक्ष पद से भी। और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपको सांसदी जो है जनता ने दी, हमने नहीं दी, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो आरोपी है जिसपे इतने संगीन आरोप लगे हैं, आखिर जांच कैसे होगी? जब तक वो पावर में बना रहेगा, जब तक उसके पास ताकत रहेगी, शक्ति रहेगी, तब तक जांच कैसे होगी? अगर उसके पास पावर रहेगी, ताकत रहेगी, तो जांच को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए नैतिकता ये बनती थी उसे इस्तीफा दे देना चाहिए था, या सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए था। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हो, पॉक्सो एक्ट का नियम ये होता है कि जिस समय FIR पॉक्सो एक्ट का कानून लगता है FIR में, उसे तत्काल प्रभाव में गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट लगने के बाद शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद में आरोपी घूम रहा है चारों तरफ, बयानबाजी दे रहा है, टीवी पे बैठ रहा है, लंबी लंबी बातें छोड़ रहा है और अपने आप को बड़ा समाज से भी बता रहा है। ये तो दुर्भाग्य है इस देश के कानून के ऊपर। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया आई है, आप चारों तरफ देखेंगे, वो बड़े बड़े मीडिया उठ के चले आए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया का जो चरित्र है वो बहुत लंबे समय से एक ही धुरी पर काम करता है, और वो धुरी है चापलूसी, चाटुकारिता। चरण चुम्बक बन चुके हैं वो सरकार के, उनको सही और गलत में फेर नहीं दिखाई देता। उनका अपना प्रमोशन कैसे हो, उनको सिर्फ यह दिखाई देता है, इसलिए वो हर हद से गुजर जाने को तैयार हैं। कितनी भी चापलूसी करनी पड़े, मतलब बलात्कारी को वो साफ स्वच्छ बता देते हैं, चोर का साहूकार वो बता देते हैं, गुंडे को वो जो है समाज से भी बता देते हैं। तो इस दौर से गुजर रही है आज की मीडिया। निष्पक्ष होती है मीडिया, फिर आप बोल रहे हैं कि प्रमोशन, चापलूसी। निष्पक्ष मीडिया कहाँ बची है? निष्पक्ष यदि मीडिया बची होती तो बीते 15 दिनों की बात आप कर लीजिए, 15 दिनों में 3 किस्से हुए। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस से निकलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, उनको मीडिया हाथों हाथ लपकती है। भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता सत्यपाल मलिक जो पुलवामा का सत्य उजागर करते हैं, वो मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा, इस हिंदुस्तान की बेटियां, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मी बेटियां, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की मिट्टी की महक पूरे दुनिया में फैलाई, हिंदुस्तान के तिरंगे का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, आज वो अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन टीवी पर बहस उनकी नहीं हो रही है, टीवी पर बहस हो रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की कि वो आरोपी नहीं है, वो गलत नहीं है। उनको सच, उनका सच जो है
कि वो निर्दोष है, वो आरोपी नहीं है, ऐसा दिखाने का प्रयास लगातार। आप क्या, आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है राजनीतिक बनता जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आ रही हैं? जब इस देश की बेटियां मेडल लेकर के आती हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर जाता है, इनकी फोटो, इनके साथ फोटो खींचता है, अपने ट्विटर से ट्वीट करता है, अपने फेसबुक पे डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है। और जब आज ये तकलीफ में है तो सबको यहाँ आना चाहिए, इसमें कौन सी राजनीति हो रही है? ऐसा नहीं है, विपक्ष मतलब सरकार आरोप लगा रही है कि तमाम पार्टियां आ रही हैं क्योंकि 24 का इलेक्शन सामने है, अपना वोट बटोरने के लिए सहानुभूति दिखा रही है। इन्होंने तो बीजेपी को भी बुलाया है, तुम भी आओ, तुम भी राजनीति करके जाओ, तुम काहे नहीं आते हो राजनीति करने के लिए? तो अब देखिए, जब व्यक्ति फंस जाए, सरकार जब फंस जाए तो अनर्कल, ये तो इनका माहौल है कि बीते 8-9 सालों में इस सरकार ने जितने भी हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुए, चाहे छात्रों के, महिलाओं के, चाहे शिक्षकों के, चाहे आर्मी मैन ने किए हों, सेना के जवानों ने किए हों, इनके खिलाफ जो गया वो देशद्रोही, वो राजनीति करता है, ये अकेले राजनीति नहीं करते हैं। तो पीटी उषा भी अब आ गई हैं यहाँ पे समर्थन में, और पहले उनका बयान था कि ये महिलाएं क्यों यहाँ पे बैठ गई, मेरे पास आती। देखिए, समर्थन में तो नहीं आई हैं वो, जब उन्होंने एक अनाप शनाप बयान दिया कि हिंदुस्तान की बेटियों को गलत ठहरा दिया, तब हिंदुस्तान की जनता ने लताड़ लगाई उनको, शर्म आनी चाहिए आपको, तब उनको कुछ महसूस हुआ होगा, ये मैंने क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में और सरकार के प्रेशर में ये कौन सा गलत हमने बयान दे दिया, तब वो अपने उस बयान पे जो कालिख लग गई उसको साफ करने के लिए यहाँ आई थी। और मैं ये कहता हूँ कि आज वो यहाँ आई, उनका बड़ा साधुवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ आई हैं, हमारे बच्चियों की स्थिति देख करके गई हैं, ये भी देख करके गई यहाँ राजनीति नहीं हो रही, ये भी देख करके गई हैं कि इनके साथ गलत तो हुआ, ये भी आप पता करके गई अत्याचार तो इनके साथ हुआ, क्या ये सभी चीज़ें वो नरेंद्र मोदी से डिस्कस करेंगी जा करके, क्या सदन में इस पे आवाज़ उठाएंगी जा करके कि इन बच्चियों के साथ गलत हुआ? गलत करने वाला भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, उसके ऊपर FIR 2 दर्ज हो चुकी है, पॉक्सो एक्ट लग चुका है, क्या उसे सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए? क्या इस बात के लिए प्रेशर बनाएंगी सरकार पे? अगर वो ऐसा करती हैं तब भी मैं मानूंगा कि वो इनके समर्थन में, अदरवाइज नहीं। बिजली पानी तक रोक दिया गया, लगातार मौसम भी खराब हो रहा है, महिला पहलवानों की तबीयत भी खराब हो रही है, उसके बाद भी कार्रवाई में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो बेटियां देश को मेडल दिलाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए विदेशी सरजमी पर पहलवानों को धूल चटा सकती हैं, तो ऐसे अत्याचारी के खिलाफ भी वो बड़ी डट करके लड़ सकती हैं। और इनके लिए ये जंतर मंतर नहीं है, इनके लिए ये अखाड़ा है, और ये अखाड़ा कुश्ती जीतने का अखाड़ा नहीं है, ये जिंदगी की कुश्ती जीतने का अखाड़ा है। यहाँ न्याय और अन्याय के बीच कुश्ती हो रही है, यहाँ धर्म और अधर्म के बीच कुश्ती हो रही है, और जब धर्म और अधर्म के बीच कुश्ती हो, न्याय और अन्याय के बीच कुश्ती हो, तो जीतता तो न्याय है, जीतता धर्म है, धर्म इनके पक्ष में, अधर्म उनके पक्ष में, धर्म की जीत होगी और अधर्म का नाश होगा। जी, तो हमारे साथ युवा थे, ये कह रहे हैं न्याय की ही जीत होगी, अन्याय हमेशा हारता आया है और हारता रहेगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।